हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसी सेवन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है यार, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये थ्योरी की लिंक्स मिल जाएंगी अगर आप उसको यूज करना चाहो थ्योरी पर्पज से, और साथ में पीपीटी का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जो कि आपको सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाली है और अच्छी प्रेजेंटेशन है यार। तो वो प्रेजेंटेशन आपके काम आएगी, अगर आपको काम हो तो आप उसको जा करके खरीद सकते हो। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यार ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग रखते क्यों हैं। तो एक कोई भी प्रोडक्ट हो उसका एक प्राइस है तो वो तो सेट होना ही है यार, कोई ना कोई आप तरीके से उस प्राइस तो उसको सेट कर ही देते हो। लेकिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि आप उसको परफेक्टली रख सको डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज और द लोकेशन या कोई भी चीज जो है आपके इन्वायरमेंट में जो कि आपके बिजनेस को फायदा करे, अच्छे से फायदा करे। आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके क्या प्राइस सेट करो जिससे कि बिजनेस ज्यादा बढ़े, तो वो उस चीज के लिए हम लोग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज है जिसके लिए हम लोग ये सातों प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानना शुरू करते हैं यार। पहले सबसे पहले आपका होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं यार। और बाय द वे पेनिट्रेशन वर्सेस स्किमिंग पे मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो मैं ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जा करके देख सकते हो अगर खाली उन दोनों के बीच में जानना हो तो। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है, मार्केट को पेनिट्रेट कर देना। यानी कि मार्केट को पेनिट्रेट करने का क्या मतलब है कि आप एक ऐसा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो जिसमें कि आप सीधा सबसे लोएस्ट रेट रखते हो जिससे कि यार मार्केट पूरा हिल जाए। ठीक है, तो इतना कम प्राइसिंग लेके आप फॉलो करते हो कि आगे का जो कॉम्पिटिशन है आप उसको पूरा बर्बाद कर दो और बेस्ट रेट पर आप अपना सामान पुश इन कर दो जिससे कि आपको मैक्सिमम सेल्स मिल सके एकदम एंटर करते ही मार्केट में। तो ये पेनिट्रेशन मार्केटिंग आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है। इट्स जस्ट लाइक कि यार जैसे कि आप जियो को मान सकते हो, जियो ने क्या किया वो तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चल, मतलब कोई आप उसको बोलोगे भी नहीं क्योंकि फ्री का है। तो एक तरह से यार जो भी चीजें चल रही थी पहले से, जियो ने क्या किया पेनिट्रेट कर दिया मार्केट को, पूरा का पूरा मार्केट हिल गया क्योंकि वो एकदम लोएस्ट रेट पर फ्री में लेकर के आ गया। उसके बाद जो भी प्राइसिंग उसके थे वो बहुत लोएस्ट थे, तो क्या था जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सारे हट गए। तो ये आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है। सेकेंड आता है आपका कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट प्लस से क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट प्लस, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा है उसमें अपना एक प्रॉफिट प्लस कर दो, वो आपका स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है, ये ज्यादातर चांसेस में नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस आपको देखा जाता है नॉर्मल बिजनेसेस में, दुकान में यही चीज देखा जाता है। तो होता क्या है कि आपका ये कॉस्ट निकल के आया कि यार मेरे को ये सामान बनाने में 100 रुपए है, प्लस 20 रुपए मेरे को प्रॉफिट है, 120 रुपए में अपन बेचेंगे, अब मार्केट कितने में बेच रहा हो, अपना तो यही दाम है भैया। तो ये होता है आपका कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी। थर्ड होता है आपका प्राइस स्कीमिंग। तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है कि स्कीम करना क्या होता है, स्कीम करना होता है लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं कि आप लेयर बाय लेयर प्राइस का, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम करते जाते हो धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक तरह से आप कह सकते हो, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कॉशन के साथ किया जाता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आप हो अपने इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के, तभी ये चीज फॉलो किया जाता है। तो होता क्या है, सिंपल मान के चलिए कोई प्रोडक्ट का दाम आपको 100 रुपए पड़ा था, आपने उसका 200 डाल दिया, 200 आपने सेट किया प्राइस, अब उसके बाद धीरे धीरे आप उतारते चले जा रहे हो, 200 का 190, 180, 170, 60, 50, अच्छा 30 ही दे दो, 20 ही दे दो, फाइनल लेके जाओ। ठीक है, तो ये होता है प्राइस स्कीमिंग कि आप धीरे धीरे लेयर बाई लेयर प्राइस कम करते जाते हो धीरे धीरे। ठीक है, तो ये प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी होता है। फोर्थ आता है आपका डायनेमिक स्ट्रैटेजी, डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है, डायनेमिक यानी कि चेंजिंग। ठीक है, तो चेंज ये सिंपल है, मतलब समझ आ ही रहा होगा कि आप जो भी प्राइस रख रहे हो आप उसको चेंज करते रहते हो समय पे, या कभी भी आपका मन करे तो आप उसको चेंज करते रहते हो। कभी आपने इसको 150 बोल दिया, कभी 180 बोल दिया, कभी 200 बोल दिया, कभी आपको देखा शॉर्टेज हो रहा है आपने 300 बोल दिया, कुछ भी, मतलब कुछ भी चलता है। तो ये आपका डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। अब ये ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने बिजनेस में कर रहे हो तो आप अपने भाई बिजनेस में आप डायनेमिक प्राइसिंग रख पाओगे, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप कोई ऐसे मोनोपोली या बहुत डुओपोली ऐसे ओलिगोपोली मार्केट में बैठे हो जहां पे बहुत कम सेलर्स हो, तो उस केस में चलता है कभी कभार कि आप डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल चीज है ये। फिफ्थ आता है आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो यार वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है कि सिंपल सा दया में यार आपका जो वैल्यू के, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है आपका क्या सही दाम होना चाहिए, आप उसका वो वैल्यू सेट कर देते हो। यानी कि मान करके चल रहे हैं कि यार जैसे सास प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर किसी को मान के चल रहे हैं कि कोई सर्विस लेनी है,
सास प्रोडक्ट्स तो आप जानते ही होंगे, तो वो क्या है कि आपको किसी को ये प्राइस ये सर्विस लेनी है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग या ईमेल की 1 महीने की सर्विस लेनी है, तो जो उसका दाम होना चाहिए, उचित दाम जिसको बोलते हैं ना, तो वही प्राइसिंग जब रखी जाती है तो उसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं। जैसे कि मान करके चल रहा है कि कोई ऐसा आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि नहीं यार इसका दाम ये होना चाहिए, और अगर उसका दाम वही निकल आए देन दैट इज अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, हाँ जितना उसका होना चाहिए दाम उसी के हिसाब से उसका प्राइस सेट किया गया है। सिक्स होता है आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यानी कि साफ मतलब पता चल रहा है यार कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप अपना प्राइस सेट करते हो, अगर आपको लग रहा है कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो आपने अपना प्राइस कम सेट किया, अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा रहे हो धीरे धीरे प्राइस, या फिर हाई प्राइस हाई मार्जिन रख करके अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। लास्ट आता है आपका इकोनॉमी प्राइसिंग। तो इकोनॉमी प्राइसिंग क्या होता है, इकोनॉमी प्राइसिंग इज कि आप अपने कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए आप क्या करते हो कि आप अपना सामान कम दाम पर बेचते हो, तो आप कम दाम पर बेचोगे तो यार प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो ज्यादा देर तक तो सस्टेन कर नहीं पाओगे जब तक आप अंबानी नहीं हो, तो होगा क्या कि इकोनॉमी प्राइसिंग में आप करते क्या हो, तो आप प्रोडक्ट कम प्राइस पे तो बेचते हो लेकिन प्राइस कम पे बेचने की वजह से क्या होता है आपका हाई सेल्स वॉल्यूम होता है, हाई सेल्स वॉल्यूम होकर के आपके पास पैसे वापस आते हैं तो क्या करते हैं आप बल्क में खरीदते हो, तो आप जब बल्क में खरीदोगे अगली बार तो थोड़ा और प्राइस कम बैठता है, तो दिस इज इकोनॉमिक प्राइसिंग जिसमें कि आप मनी टर्न बैक करके टर्न ओवर टर्न अराउंड कर करके आप दाम का ही मतलब जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का प्राइसिंग का उसी को आप कम करने का कोशिश करते हो। सो दीज आर ऑल दी 7 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो कि आप थ्योरी के पर्पज से भी बिजनेस में भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम लिंक्डइन कहीं पे भी आकर के मुझे मैसेज करके अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं तब तक और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद वंदे मातरम।